आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ। आज निरंकार सिंह जी की लिखी हुई कहानी रक्त ग्रहण का एपिसोड नंबर 17। दोस्तों, अगर आप लोग इसके सारी कहानियाँ नहीं सुने हैं, रक्त ग्रहण का जितनी भी एपिसोड्स है आप लोग नहीं सुने हैं, मेरे इस चैनल पे आप लोग न्यू आए हैं, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके पिछले सारी कहानियाँ आप लोग ज़रूर सुने, फिर आके इसको सुने तो ही आप लोगों को इस कहानी को समझ में आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और स्क्रीन में दे रखी हूँ। तो जाइए और उसको ज़रूर सुनिए या चेकआउट कीजिए। और अगर इस चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना एक सेकेंड भी देरी किए शुरू करते हैं आज की जो कहानी है, निरंकार सिंह जी के लिखी हुई कहानी रक्त ग्रहण का एपिसोड नंबर 17। चंद्रगढ़। 25 वर्ष बीतने के पश्चात सभी ग्रामीणों को नींद तो आती थी, किंतु आज भी सभी नींद से एकाएक उठकर भयभीत हो जाते थे। एक भयानक स्वप्न आज भी उन्हें डरने पर विवश कर देता था। बिल्ली के रोने की आवाज अचानक ही वातावरण को चीरती चली गई और माहौल एकदम से मनहूस होने लगा था। बिल्ली का रोना तो आम बात थी, फिर इसमें कैसा भय, कैसी मनुष्यत? ये विचार अन्य क्षेत्र के हो सकते थे, किंतु उस ग्राम पंचायत के तो हरगिज नहीं। 25 वर्षों से हर रात बिल्ली के रोदन की आवाज लोगों के जहन में खौफ पैदा करती चली आ रही थी, लेकिन आज उस रोदन में एक विचित्र सी गूंज थी, एक विचित्र सी चित्कार शामिल थी, एक विचित्र सी तीव्रता थी। ब्रिजमोहन सिंह को आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो छत पर टहलते हुए बार बार चंद्रमा को निहार रहे थे। चंद्रमा की दुधिया रोशनी में हल्की सी लालिमा व्याप्त हो रही थी। वो जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ब्रिजमोहन सिंह की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। जिस चेहरे पर कभी डर का भाव भी नहीं दिखाई दिया था, आज उस चेहरे पर दहशत के अनगिनत भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बिल्ली के रुदन का स्वर बार बार रह रहकर गूंज रहा था। कैसे भी करके मुझे आज होने वाली अनहोनी को रोकना ही होगा। अगर फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया तो फिर उसको रोकना बेहद मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। उनके मन में गहन चिंतन चल रहा था। कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, किंतु आज इस पूर्णिमा की रात को रक्त रंजित नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा रक्त ग्रहण। दादू, उस आवाज को सुनकर वो उछल पड़े और फौरन ही पीछे मुड़े। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। ब्रिजमोहन सिंह के चेहरे का तनाव बढ़ गया। नींद नहीं आ रही है दादू, आज पता नहीं क्यों गर्मी बहुत बढ़ गई है, वंशिका नींद भरी आंखों को सहलाते हुए बोली। आज भर को एडजस्ट कर ले बेटा, कल मैं कमरे में एसी लगवा दूंगा। ब्रिजमोहन सिंह उसको वहां से जल्दी भगा देना चाहते थे। वो तो ठीक है दादू, देखिए ना यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना शीतल वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और इस चांद का शीतल प्रकाश। वंशिका की नजर जैसे ही चंद्रमा पर पड़ी और वो चौंक गई। अरे दादू, ये चांद आज कैसा है, ये तो लाल हो रहा है। मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। ब्रिजमोहन सिंह व्याकुलता और चिंता भरे स्वर में दहाड़ उठे। उनका क्रोध से भरा चेहरा देख रही वंशिका अवाक सी रह गई। उसका मुख देखकर सहज ही अंदाजा लग रहा था कि अपने दादू को आज पहली बार उसने खुद को डांटते हुए देखा था। इससे पहले उसकी रुलाई फूट पड़ती, वो फौरन ही सीढ़ियों की ओर दौड़ गई। उसको जाता देख ब्रिजमोहन सिंह के चेहरे पर कसमसाहट सी उभरी और वो विचलित होकर बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तभी एक चीख वहां गूंज गई। ब्रिजमोहन सिंह फौरन ही नीचे भागे। क्या हुआ,
पता नहीं दादू, कनिका हमें यहाँ बेहोश पड़ी मिली। वंशिका बरामदे में बेहोश पड़ी कनिका का सिर अपनी गोद में लेती हुई बोली। सिद्धार्थ, गगन, कृष्णा और भैरव भी वहां लपकते हुए आ पहुंचे। अरे, ये यहाँ कैसे पहुंची? ये तो सो रही थी, कृष्णा हैरानी से बोली। ये तुम्हें ही पता होगा ना, सिद्धार्थ कृष्णा से बोला। ये जरूर यहाँ टहलने आई होगी, सोने से पहले भी कह रही थी आज इतनी गर्मी में नींद नहीं आएगी, मैं तो थकी होने की वजह से सो। कृष्णा ने आखिर शब्द अपनी गलती का एहसास होने की वजह से छोड़ दिए और धीरे से ब्रिजमोहन की ओर देखा, लेकिन ब्रिजमोहन तो और ही कहीं खोए हुए थे। कनिका को उन्होंने बिस्तर पर लिटा दिया। अपने पास रखी हुई मेडिसिन से वंशिका ने कनिका को एक इंजेक्शन दिया और कुछ ही देर में वो होश में आ गई। क्या हुआ था, क्यों चीखी थी? कृष्णा ने आंखें फाड़ फाड़ कर छत को घूर रही कनिका से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसे शौक लगा है, मैं नींद का इंजेक्शन दे देती हूँ, सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी और फिर सब बता देगी, वंशिका ने कहा। सुबह होने के बाद विक्रमपुर के सभी लोग खेत खलियान मंजाने निकल पड़े। अरे दैया रे दैया, हाय रे, किसी जानवर ने चंदन को मारकर खा डाला रे। एक गांव वाला चीखता चिल्लाता हुआ गांव में दाखिल हुआ। उसकी बात सुनकर सभी सकते में आ गए और फौरन ही खेतों के ओर भागे। सच में बेहद बुरी दशा थी चंदन की लाश की। पूरे जिस्म को नोचा भंबोड़ा गया था, उसकी फटी फटी आंखों में अभी भी एक खौफ भरा हुआ था। फौरन ही पुलिस को इत्तला की गई। ये जरूर किसी आदमखोर जानवर का काम लगता है, दरोगा लखन सिंह ने लाश को देखते हुए कहा। फिर गांव वालों को संतावना देते हुए बोला, आप फिक्र ना करें, हमने वन विभाग वालों को सूचना दे दी है, लेकिन शाम होने के बाद कोई भी ना घर से निकले और ना ही खेतों में जाए। इतना कहने के बाद उसने लाश का पंचनामा भरकर उसे अस्पताल भिजवा दिया। कहो दरोगा बाबू, कैसे आना हुआ? दुष्यंत ने बैठे हुए लखन सिंह से कहा। लगता है छोटे सरकार सोते बहुत हैं, लखन बैंक से बोला। अरे कुछ नहीं यार, रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी, दुष्यंत सिर पकड़ते हुए बोला। मर्डर हो गया है। किसका? जिसके साथ आप पी रहे थे, दुष्यंत चौंका। चंदन? हाँ चंदन। लेकिन कैसे, कब? ये तो आप बताओ हुजूर। मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो थारे साथ ही था हुजूर, और रात में ही उसका कत्ल हुआ है। वो तो मैंने गांव वालों को किसी आदमखोर जानवर की बात कहकर आपको बचा लिया, वरना। लेकिन तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? ना ना हुजूर, मैं थारे पर इल्जाम को नहीं लगा रहा, मैं तो इतना बता रहा हूँ कि भले ही ये काम किसी जानवर का हो, लेकिन आप भी इसमें फंस सकते हो, और वैसे भी आपका पुलिस रिकॉर्ड माशाल्लाह ही है। दुष्यंत ने रोज भरी नजरों से लखन सिंह को देखा और उठकर बाहर चला गया। लखन सिंह के होठों पर कमी नियत खेल रही थी। ये ले, दुष्यंत लखन के सामने 500 की कटी फेंकता हुआ बोला। रख और चुपचाप निकल, मेहरबानी छोटे सरकार की। लखन सिंह दूरता भरी हंसी हंसा और वहां से निकल गया। दुष्यंत के चेहरे पर भी दुविधा और फिक्र नजर आने लगी थी। बड़ी अजीब बात है, ये अभी तक सो रही है। कृष्णा स्नान करने के बाद अपने कमरे में आकर कनिका को सोता हुआ देखकर बोली। ए उठ, उसने कनिका को हिलाते हुए कहा। कमाल है, ये तो मालूम होता है कि घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी सब बेच कर सो रही हो। ओ, लगता है इंजेक्शन का असर अभी है, लेकिन अब तक तो असर खत्म हो जाना चाहिए था।
उसने घड़ी की तरफ देखकर कहा। उसने कनिका को फिर हिलाया। आय! अरे ये तो तृष्णा की चीख है, कहते हुए वंशिका उस कमरे की ओर भागी। सभी उसके पीछे दौड़े। सामने एक कोने में पड़ी तृष्णा बेहद घबराई हुई सी और खौफ ज्यादा थी। क्या हुआ तृष्णा, तुम चीखे क्यों? सभी उस सवाल के उत्तर के लिए तृष्णा को देख रहे थे। तृष्णा ने थर थर कांपते हुए अपनी उंगली उठा दी। सभी ने उस तरफ देखा और सभी की नजरों में हैरानी के साथ साथ अजीब से भाव आने लगे। कनिका बेड पर बैठी हुई थी। उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बैठी है? सिद्धार्थ कनिका की ओर बढ़ा। कनिका क्या हुआ तुझे? सिद्धार्थ ने ज्यों ही कनिका के बाजू पकड़कर उसे हिलाया, त्यों ही कनिका के बाल एक झटके में उसके मुख से उड़े और उसने जोरों से चीखते हुए सिद्धार्थ के सीने पर हाथ मारा। सिद्धार्थ उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लगता है ये पागल हो गई है, सिद्धार्थ कराहता हुआ उठा। सभी हतप्रभ थे। कहीं इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? गगन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, वो इंजेक्शन ऐसा दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता। वंशिका बेहद गंभीर थी। अब क्या करें, हम में से कोई साइकेट्रिस्ट भी तो नहीं है जो इसकी वजह बता सके, तृष्णा ने कहा। चलो इसे फिर से नींद का दूसरा इंजेक्शन देती हूँ। आई होप शाम तक इसका डिस्टर्ब माइंड सेट हो जाए। उन तीनों ने चीखती चिल्लाती और पूरा जोर लगाती कनिका को किसी तरह पकड़ा और वंशिका ने उसकी कमर में इंजेक्शन ठोक दिया। ब्रिजमोहन सिंह की जीप दुर्गर गांव के उस घर के द्वार पर रुकी। उनको देखते ही द्वार पर मौजूद एक बूढ़ी महिला टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए उनके पास आई और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए बोली, स्वागत है बड़े ठाकुर, आइए पधारिए। ब्रिजमोहन सिंह वहां पड़ी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और महिला को देखते हुए कहा, कैसी है आप देवना बहन? देवना के मुख पर एक जख्मी मुस्कान आई और वो बोली, आपके और बड़े भैया ब्रह्मानंद के रहमो कर्मों से अभी तक जीवित हूँ, अन्यथा अपने पति के कुकर्म मुझे जीवित कहाँ रहने देते। अगर आप दोनों ने गांव वालों को समझा कर मुझे जीने का आश्रय नहीं दिया होता तो। अरे छोड़िए उन पुरानी बातों को बहन, आज गुरुजी की पुण्यतिथि है, क्या हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं? ब्रिजमोहन ने कहा। ब्रिजमोहन ने उस माता के मंदिर के विशाल प्रांगण में अपने गुरु ब्रह्मानंद की मूर्ति स्थापित करवाई थी। श्रद्धा भाव से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो मूर्ति को देखते हुए बोले, आज आपका ये शिष्य इस संघर्ष में अकेला हो चुका है गुरुदेव, पल पल मुझे चिंता मार रही है, आपके अलावा मेरी इस भावना को, मेरी इस चिंता को दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। काश काश आप मुझे अकेला छोड़कर ना गए होते तो आज ये ब्रिजमोहन आपके मार्गदर्शन में ये युद्ध अवश्य लड़ लेता, चाहे जीत मिलती चाहे ना मिलती। ब्रिजमोहन सिंह की वेदना को देवना अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसकी आंखें भी नम हो चली थी। क्या उन दोनों की कोई खबर, ब्रिजमोहन ने पूछा। नहीं कोई खबर नहीं, बड़े भैया और उन दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों के गायब होने के पश्चात हर संभव जगह पर उन्हें ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। इतने वर्ष बीत जाने पर भी वो सभी आस छोड़ने लगे हैं। ये सुनकर ब्रिजमोहन की चिंता की रेखाएं और भी गहरी हो गई। आजकल के आधुनिक समय में भी तू इन बातों पर यकीन करता है?
यकीन नहीं होता। चुप कर, तुझे क्या पता कि जमाना चाहे पुराना हो या नया, लौकिक और परलौकिक शक्तियां हमेशा ही मौजूद रहती आई है। बस आजकल तेरे जैसे लोग आंखों पर आधुनिकता और अंग्रेजों की विज्ञान का चश्मा चढ़ाए घूम रहे हैं। उन्हें हर बात में लॉजिक चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? हर चीज और हर बात के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार छिपा रहता है। काल्पनिक बातों पर तर्क वितर्क करने को आधुनिकता नहीं बल्कि शिक्षित होना कहते हैं। अच्छा, तू अपने आप को बड़ा शिक्षित समझता है? तो ये बता कि हमारे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, जिन्होंने इस परम विज्ञान को लाखों हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था और जिनकी नकल कर करके आज अंग्रेज आधुनिक विज्ञान को अपना बताकर सीना फुलाते हैं, तो क्या उनसे ज्यादा शिक्षित है? अपनी भाषा में समझ की जिन अंग्रेजों की दी हुई विज्ञान पर अपनी भाषा में समझ कि जिन अंग्रेजों की दी हुई विज्ञान पर तुम जैसे लोग तर्क कुतर्क करते हो, सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हो, घटनाओं के पीछे कारण समझने की जगह उसे अंधविश्वास कहकर पल्ला झाड़ लेते हो, वही अंग्रेज भी सनातनियों की दी हुई परम विज्ञान का लोहा मानने लगे हैं, इस धर्म को और इसकी परंपरा को अपनाने लगे हैं। साक्ष्यों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका सरल और सीधा उदाहरण है कि वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगा से ओम की ध्वनि विचरण करती है, और तो और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की वैसा ही मुद्रा दिखाई पड़ी है जैसी पुराणों और चित्रों में दिखाई गई है जब वो विश्राम मुद्रा में क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। मैं इन सब का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों अविश्वास सा होता है। मूर्ख से बहस करने से भला मौन रहना है। जब सत्य तुम्हारे सामने होगा तो खुद ही मान जाओगे। वो दो व्यक्ति थे जो चंदरगढ़ के मेहमान बनकर आ रहे थे। बस से उतरने के बाद वो गांव की ओर पैदल ही बढ़े जा रहे थे। जल्दी जल्दी चल, अंधेरा होने से पहले ही हमें गांव पहुंचना होगा। वो दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। शाम से पहले ही कनिका को होश आ गया और अब उसका दिमाग कुछ ठीक लग रहा था। अब बता, क्या हुआ था तुझे? क्यों रात में चीखी थी? वंशिका ने खोई खोई सी नजर आ रही कनिका से पूछा। वहां सभी मौजूद थे और कनिका की हालत देखकर सभी फिक्रमंद थे। कनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने लगी उस तस्वीर को ही घूरे जा रही थी जिसमें बृजमोहन सिंह के साथ वसुंधरा देवी खड़ी थी। ये कौन है? कनिका ने वसुंधरा की ओर इशारा करते हुए कहा। ये मेरी दादी माँ है, वंशिका ने उत्तर दिया। कहाँ है ये? कनिका ने फिर सवाल किया। अरे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे, वंशिका ने चिढ़ते हुए कहा। पहले तू बता, कहाँ है ये? कनिका के होठों पर बेहद अजीब सी मुस्कान आ गई। मर चुकी है ये 25 साल पहले, वंशिका तनिक जोर से बोली। नहीं, कनिका उसी भाव से बोली, जिंदा है ये और इसी हवेली में है। क्या बकवास कर रही है? जरूर तेरा दिमाग सदमा खाकर बेकार हो गया है, तभी अनाप शनाप बोले जा रही है, वंशिका नाराज होते हुए बोली। नहीं मानना है तो मत मान, कनिका ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। छोड़ो वंशिका, वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं है। बेचारी ने कल रात के बाद से कुछ खाया भी नहीं है, तृष्णा ने उसे हमदर्दी दिखाते हुए कहा। भूख लगी है कनिका? तृष्णा ने बड़े प्यार से पूछा। कनिका का चेहरा एकदम से रुआंसा हो गया और वो पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत, पिछले 25 सालों से कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर सभी अचरज में पड़े, लेकिन बोला कोई कुछ नहीं। अच्छा ये बता, क्या खाएगी? मांस, बकरे की मांस। क्या? सभी चौंक पड़े। लेकिन तू तो पूरी तरह से शाकाहारी है, अपने कॉलेज में पेटा की ब्रांड एम्बेसडर है तू, सिद्धार्थ हैरानी से बोला।
बकवास बंद कर, कनिका के मुख से गुर्राहट सी निकली। मुझे सिर्फ बकरे का मांस खाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये क्या बकवास कर रही है तू? तू अच्छी तरह से जानती है कि हमारे घर में मांस नहीं खाया जाता, फिर भी तू मटन खाने की जिद कर रही है, वंशिका देश में आते हुए बोली। नहीं खाया जाता तो क्या हुआ, मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। अगर मुझे मांस ना मिला तो मैं वो कर दूंगी जिसकी कल्पना भी तुम लोगों ने ना की होगी, कनिका बेहद गुस्से में बोली। लगता है ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इस फट्टू का डर के मारे दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसे एक इंजेक्शन और लगा दे वंशिका, तृष्णा से भी ना रहा गया। तृष्णा सही कह रही है वंशिका, हम इसे पकड़ते हैं और तू इंजेक्शन लगा। इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना होगा, सिद्धार्थ ने चिंता भरे स्वर में कहा। कनिका हंसी और फिर बोली, तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ये रोग नहीं बल्कि एक ताकत है जो अब पुनः लौट आई है और अब तांडव मचेगा, तांडव। तेरी तो, कहते हुए सिद्धार्थ ने कनिका को पकड़ लिया और बाकी सबने भी कनिका को कस लिया। वंशिका इंजेक्शन भरने लगी, तभी एक चीख निकालते हुए कनिका ने सभी को तिनके की तरह उछाल दिया। कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा। एक नाजुक सी लड़की ने तीन लोगों को ऐसे फेंक दिया था कि मानो वो तीनों इंसान नहीं कोई गुड्डे गुड़िया हो। वंशिका और तीनों विस्फारित आंखों से कनिका को देख रहे थे, जो अपने लाल आंखों से उन्हें घूर कर बोली, चंद्रिका हूं मैं, कोई मुझे बस में नहीं कर सकता। तभी बाहर जीप रुकने की आवाज आई और इसी के साथ कनिका बेहोश होकर लुढ़क गई। ये क्या था, तृष्णा डर से कांपते हुए बोली। कहीं सचमुच ही तो इस पर कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? ओह शट अप कृष्णा, हम लोग कनिका को लेकर वैसे भी परेशान हैं और तुम फालतू की बात कर रही हो, वंशिका चिरकर बोली। वंशिका आए दादू, वंशिका ने नीचे से आई हुई आवाज का उत्तर देते हुए कहा। दादू आ गए हैं, कोई उनसे इस बारे में बात नहीं करेगा, अभी तो शाम हो चुकी है, हम लोग कल ही शहर के किसी मनोचिकित्सक के पास इसको लेकर जाएंगे। शाम की चाय की चुस्की ले रहे ब्रिजमोहन सिंह ने वंशिका से पूछा, क्या बात है वंशिका, कनिका कहीं नजर नहीं आ रही, तबीयत अभी भी खराब है क्या? जी दादू, अभी वो कुछ ठीक नहीं है, उसे अभी भी कुछ आराम की जरूरत है। बात आ ही गई हो गई। देख यही है चंद्रगढ़, पहले वाला दूर खंबे पर जल रहे एक बल्ब की रोशनी से नजर आ रहे गांव की ओर इशारा करते हुआ बोला। ओ तो यही है अंधविश्वास का अड्डा, दूसरा हंसा। हंस ले बेटा हंस ले, अभी तो सब ठीक है, लेकिन अगर 25 साल पहले तू यहां होता ना तो तेरी सारी अकर पीछे से निकल जाती, पहले वाला बोला। अब जा, मैं एक पढ़ा लिखा और अंधविश्वास को ना मानने वाला बंदा हूं। मुझे तो हैरानी होती है कि तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतना अंधविश्वास कैसे है। अरे अगर भूत प्रेत होते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, अभी और इसी वक्त मेरे सामने आकर मेरा एक बाल भी हिलाकर दिखा दे। उसका वाक्य पूरा ही हो चुका था कि एक ठंडी हवा का झोंका उनके जिस्म को स्पर्श करता हुआ चला गया। उन दोनों को लगा मानो उनके जिस्म पर बर्फ सी गिरी हो। कमाल है, इस गर्मी में इतना ठंडा झोंका, मानो अभी भी फ्रिज से निकलकर आया हो, दूसरा आश्चर्य से बोला। नहीं कुछ ठीक नहीं है, पहले ने मानो चेतावनी दी। तो फिर शुरू हो गया,
दूसरा पहले वाले को गुस्से से देखता हुआ बोला, चल जल्दी भाग। पहले वाला भागा। अबे लेकिन क्यों? दूसरा भी उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, अभी बताने का समय नहीं है, एक बार घर पहुंच जाए सब समझा दूंगा। वंशिका, वंशिका! तृष्णा चीखी तो सभी उसके कमरे में पहुंचे, जहां तृष्णा हाथ में खाने की थाली हाथों में लिए हुए खड़ी थी। क्या हुआ तृष्णा? वंशिका ने आते हुए पूछा। कनिका! तृष्णा ने आश्चर्य भरे अंदाज में बेड की ओर इशारा करते हुए कहा। कनिका बेड पर नहीं थी, वो वहां से गायब थी। क्या हुआ, ये चीख कैसी थी? ब्रजमोहन और भैरव भी वहां आ पहुंचे। दादू, कनिका यहाँ नहीं है। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है, होगी यही कहीं। नहीं दादू, बात कुछ और ही है। कहने के बाद वंशिका ब्रजमोहन को सब बताने लगी। ब्रजमोहन सिंह के मुख पर कई भाव आने लगे। माफ कर देना दादू, हमें ये सब बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। सभी ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कनिका कहीं नहीं मिली। सभी बड़ी टेंशन में आ चुके थे। वो दोनों बड़ी तेजी से भाग रहे थे कि तभी पीछे वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। उसकी चीख सुनकर आगे वाले ने मुड़कर देखा और जैसे ही उसे उठाने के लिए वो उसकी ओर जाने लगा कि तभी एक डरावनी आकृति देखकर उसके कदम ठिठक गए और उसके मुख पर दहशत सवार होने लगी। भाग वहां से धीरज! वो चीखा तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही उसका खून जमने लगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही उस आकृति ने उसका पैर पकड़ा और उसको लेकर पल भर में ही गायब हो गया। वो किंग कर्तव्य मोड़ सा खड़ा हुआ कांपने लगा और दूजे ही पल उसने गांव की ओर चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। उसकी चीख चिल्लाहट पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन गांव में किसी ने झांकने तक की कोशिश नहीं की। वो उस घर का दरवाजा पीटते पीटते थक गया, लेकिन उस घर का दरवाजा नहीं खुला जहां का वो मेहमान था। उसने कई दरवाजे पीट डाले, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मारे डर के वो हलकान हो चुका था। तभी उसको एक मंदिर नजर आया और वो सरपट उस मंदिर की ओर दौड़ गया। मंदिर के अंदर पहुंचकर ही उसने सांस ली और अपनी उखड़ी सांसों को संयत करते हुए अपने साथी धीरज के बारे में सोचकर रोने लगा। लेकिन अफसोस, उसका रुदन सुनने वाला वहां केवल भगवान था। इधर हवेली में सभी चिंताग्रस्त से बैठे थे। उन्होंने कनिका को ढूंढने के लिए गांव में जाने की सोची थी, लेकिन ब्रजमोहन ने जंगली जानवरों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया था। स्वयं ही हथियार लेकर भैरव के साथ अन्य नौकरों को लेकर निकल पड़े थे। कनिका के बारे में सोच सोचकर सभी बड़े व्याकुल थे। कहां जा सकती है? वंशिका के मुख से निकला ही था कि एक चीख ने उन सभी के दिलों को दहला दिया। ये चीख, ये किसकी चीख है और ये आई कहां से? सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी अभी सोच में पड़ी थे कि पुनः एक दहशत भरी चीख गूंज उठी और फिर कुछ पलों के बाद चीख रह रहकर गूंजने लगी। ये तो जमीन के अंदर से आई लगती है, वंशिका ने कहा और सभी उस चीख की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। सभी कान लगा लगा कर चीख का स्रोत ढूंढ रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हवेली के नीचे जरूर कोई तहखाना है और ये चीख वहीं से गूंज रही है, गगन ने कहा। तू इतना विश्वास से कैसे कह सकता है? वंशिका ने पूछा। हमारे राजस्थान में राजा महाराजा के हर महल हवेली में तहखाना बना हुआ है और तेरे दादाजी भी एक तरह से राजा ही हैं। उन्होंने भी तहखाना जरूर बनवाया होगा। गगन की बात सुनकर वंशिका सोच में पड़ गई। सभी तहखाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन उस बड़ी हवेली में तहखाना ढूंढना कोई मजाक नहीं था। अपने दादाजी के कमरे में देख, गगन के मुख से एकदम से निकला।
वंशिका के पीछे पीछे सभी ब्रजमोहन सिंह के कमरे में जा पहुंचे। वाकई चीख वहां स्पष्ट सुनाई दे रही थी। देखो यही कहीं होगा नीचे जाने का रास्ता, गगन ने फिर कहा तो सभी उस विशाल कक्ष का कोना कोना ढूंढने लगे। सिद्धार्थ जरा इस भारी अलमारी को हटवा तो जरा। गगन के कहने पर सिद्धार्थ ने उस अलमारी को परे सरका दिया और उसके नीचे पड़ी मैट हटाई। मिल गया, गगन चहका। सभी हैरानी से उस रास्ते को देख रहे थे, खासकर वंशिका। तब तक चीखें शांत हो चुकी थी। चलो, सिद्धार्थ ने थोड़ा सहमते हुए कहा। सभी लोग सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जा पहुंचे। नीचे बेहद अंधेरा था। सिद्धार्थ ने अपनी जेब में पड़े मोबाइल की टॉर्च जला दी। वो रहा बोर्ड, कहते हुए गगन ने बोर्ड के सभी स्विच दबा दिए और इसी के साथ वो जगह रोशन हो उठी। वाह यार, कितना बड़ा है ये तहखाना, तृष्णा ने कहा, और साफ सुथरा भी। लगता है यहाँ अभी भी किसी का आना जाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। चारों तरफ खंडर नुमा दीवार और उनके बीच बीच में बने पिलर किसी पुरानी भूतिया फिल्म के सेट जैसा आभास दे रहे थे। तभी वहां किसी की सिसकियां सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े दर्द से गुजरता हुआ सिसक रहा है। चारों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। चारों दो दीवारों को पार करके जैसे ही वहां पहुंचे, जहां एक नहीं बल्कि दो महान आश्चर्य उनका इंतजार कर रहे थे। सामने का अजब गजब नजारा देखकर चारों दंग रह गए। कनिका, दादी माँ, तीन के मुख से तो कनिका का नाम निकला और वंशिका के मुख से वसुंधरा के लिए वो संबोधन प्रस्फुटित हुआ। कनिका के मुख से यही आवाज निकल रही थी। चबर चबर की आवाज उसके जबड़े से उत्पन्न हो रही थी। वो मांस खा रही थी, कच्चा मांस। हे भगवान, कृष्णा ने डर से अपना मुंह सिद्धार्थ के सीने में छुपा लिया और कनखियों से कनिका का डरावना रूप देखने लगी। सभी बेहद अचरज और खौफ से कनिका की उस विभत्स हरकत को देखे जा रहे थे। कनिका के सामने एक बकरी मरी पड़ी थी जिसका मांस वो नोच नोच कर खा रही थी। कनिका से कुछ ही दूरी पर वसुंधरा देवी अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। वंशिका अपने भय पर काबू पाते हुए वसुंधरा के पास गई और उनकी कलाई थाम ली। जिंदा है, वंशिका ने राहत भरी सांस लेते हुए सोचा। तभी मांस खा रही कनिका की निगाह उन तीनों से मिली और उसने बेहद अजीब नजरों से उन्हें देखा और फिर दांत दिखाती हुई हंसने लगी। उसके जबड़े और होंठों पर लगा हुआ खून और मांस उसे बेहद भयावह बना रहा था। तभी कनिका ने अपना सिर थाम लिया और चक्कर खाते हुए नीचे लुढ़क गई। मौसम खराब हो चुका था और कड़कती बिजली के साथ हल्की लेकिन बड़ी बूंदों वाली वर्षा आरंभ हो चुकी थी। गर्मी के मौसम में बारिश होना बड़ी राहत की बात होती है। ठंडी ठंडी बूंदे जब वातावरण और धरा की तपिश शांत करती है तो मौसम खुशनुमा हो जाता है, किंतु वहां का आलम कुछ और ही था। ठंडी हवा के साथ हो रही बूंदाबूंदी ने मानो गर्मी से सर्दी का मौसम बना दिया था। भीगते भागते हुए ब्रजमोहन सिंह जैसे ही चिंतित अवस्था में हवेली में दाखिल हुए, वैसे ही उनके जहन को मानो हाई टेंशन लाइन वाली बिजली का झटका लगा हो। आश्चर्य का समुद्र उनकी आंखों में हिलोड़े लेने लगा था और ढेरों चिंता और गंभीरता की लकीरें उनकी झुर्रीदार चेहरे पर उभरने लगी थी। उनके ठीक सामने वसुंधरा देवी चिंतित और भय भरी नजरों से उन्हें ताक रही थी और वंशिका बेहद गंभीरता से उन्हें सवालिया नजरों से देखे जा रही थी। क्यों दादू, वंशिका आगे बढ़ते हुए बेहद दुख और क्रोध से भरे स्वर में अपने शब्दों को जबड़ों की चक्की में पीसते हुए बोली।
क्यों? आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? उसके मुख पर दर्द उभर आया। पूरे 25 साल से दादी माँ को आपने किस मकसद से तहखाने में बंद कर रखा था? क्यों दादू, क्यों? वो अंतिम शब्द चीखते हुए रो पड़ी। कर कर करा के तीव्र ध्वनि के साथ बिजली कौंधी। वो बिजली मानो ब्रजमोहन सिंह के ऊपर भी गिरी थी। ब्रजमोहन सिंह निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए और गहरी कड़ी सांस लेते हुए वो मानो अपने भीतर उमर रहे तूफान को शांत करने का प्रयास करने लगे थे। कुछ पलों तक चुप रहने के बाद उन्होंने वंशिका को देखा, जो उनकी ओर रोष और प्रश्नवाचक नजरों से ताक रही थी। ब्रजमोहन सिंह ने गहरी सांस ली और शुरू से लेकर अंत तक सारी दास्तान सुनाने लगे। वंशिका के साथ साथ उस दास्तान को ध्यान से सुनने वाले वो चारों भी बेहद हैरत भरी नजरों से ब्रजमोहन सिंह का मुख देखे जा रहे थे। उन पांचों के चेहरों पर विश्वास ना करने वाले भाव के साथ डर भी दिखाई पड़ रहा था। ब्रजमोहन सिंह पूरी कहानी सुनाने के बाद वंशिका की तरफ देखकर बेहद गमगीन से स्वर में बोले, एक इंसान के गलत फैसले और निज स्वार्थ के कारण कई बेकसूर गांव वाले बलि चर गए और हमारा पूरा परिवार टूट कर बिखर गया। आज भी इस वृद्ध जिस्म में उस अतीत को याद करके झुरझुरी दौड़ जाती है। आज भी इस मन के शांत समुद्र में दुख और पीड़ा का ज्वार भाटा उथल पुथल मचा कर सब कुछ तहस नहस कर जाता है। वंशिका की आंखों में अश्रु पुनः झलक उठे थे। माना कि दादी ने जो किया गलत किया, माना कि वंश चलाने की चाहत में वो बेहद नीचे गिर गई थी। अपने मतलब के लिए इन्होंने निर्दोष गांव वालों की जान की परवाह नहीं की, लेकिन दादू अपने गुनाहों के लिए ये बहुत बड़ी सजा काट चुकी है, बल्कि उसे ज्यादा दंड मिल चुका है। इन्हें पूरे 25 साल इन्होंने हर पल हर घड़ी नरक भोगा है, शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। वंशिका रो रही वसुंधरा को संभालते हुए बोली, नहीं बेटी, मेरी नजर में ये जितने गुनाहगार तब थी उतने ही गुनाहगार आज भी है। ब्रजमोहन सिंह का स्वर और लहजा बेहद ठोस और सख्त था। चाहता तो ये था कि इसे मौत की सजा दूं, लेकिन वो इसके लिए सजा नहीं बल्कि वरदान होता। इसलिए अगर मेरे वश में होता तो इसे हजारों सालों तक यूं ही कैद में रखता। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे अपनी भूलों पर, अपनी गलतियों पर और अपने अपराधों पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। जिस घड़ी मैंने वो नरक यातना भोगनी शुरू की थी, उसी घड़ी मैंने अपने अपराधों के लिए खुद को दंड देना शुरू कर दिया था। ये देखिए। कहने के बाद वसुंधरा ने अपने जिस्म पर पड़ी गर्म शॉल हटा दी। ब्रजमोहन सिंह चौंक उठे, क्योंकि वसुंधरा के पूरे जिस्म पर सैकड़ों घाव के निशान पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ अभी भी ताजा थे और उनमें पट्टियां चिपकी हुई थी। वसुंधरा के सीने पर किसी तेज धार वाली चीज से लिखा हुआ था, स्वामी मुझे क्षमा कर दो। उसके हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के सभी नाखून उखड़े हुए थे। ये क्या वसुंधरा? ब्रजमोहन के मुख से निकला। वसुंधरा बेहद दर्दनाक स्वर में बोली, आपने जो दंड दिया था वो मेरे मन को शांति नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने उस दंड में इस दंड को जोड़ दिया ताकि अपने गुनाहों को कुछ तो प्रायश्चित कर सकूं। कहते हुए वसुंधरा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ब्रजमोहन सिंह का मुख भी एक आत्मसंतोष से भर उठा था और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव परिलक्षित होने लगे। वो आगे बढ़े और रो रही वसुंधरा के समक्ष पहुंचे और उसका आंसुओं से भीगा चेहरा थाम कर भीगे हुए स्वर में बोले, मैं सब समझ गया वसुंधरा, मैं समझ गया कि आज ईश्वर ने वंशिका के माध्यम से तुम्हें दंड से मुक्त करा दिया है। जब ईश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें दोषी मानने वाला। तो आपने दादी को क्षमा कर दिया दादू? वंशिका कुछ प्रसन्नता से बोली, हाँ,
आज मेरी वसुंधरा मुझे वापस मिल गई। कहते हुए बृजमोहन सिंह ने वसुंधरा को गले से लगा लिया। वसुंधरा की रुलाई पुनः फूट पड़ी। तभी एक तेज इंसानी गुर्राहट उस प्रसन्नता भरे माहौल को डराती चली गई। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में निरंकार सिंह जी की लिखी हुई कहानी रक्त ग्रहण का एपिसोड नंबर 17। दोस्तों ये एपिसोड कैसे लगी प्लीज बताइएगा जरूर, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीक थोड़ा आउट ऑफ चेन्नई, सो शायद वीडियोस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं हो, आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल पे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और निरंकार जी को जाके प्रतिलिपि पे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।